हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। उन किरणों के जो प्रकाश का परावर्तन होता है उन्हीं के द्वारा हम क्या करेंगे, किन्हीं दो किरणों की सहायता से हम पता करेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर रखा था कि अवतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वस्तु जो हमारा है उसको रखना पड़ेगा अनंत पर, है ना। ये वस्तु अनंत पर, तो अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु अनंत पर रखते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है, उत्तल दर्पण एक यहाँ ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से कुछ। ये इसका द्वारक है एम और एन, और ये जो है सो पिछला वाला जो हिस्सा है पेंट किया हुआ भाग है, हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस को इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर ये जो हमारा ये लाइन है ये मुख्य अक्ष है, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग ध्रुव कहेंगे, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग ध्रुव कहेंगे, और ये जो पॉइंट होता है इसे हम लोग सी से दिखाते हैं वक्रता केंद्र, और पी और सी के लगभग बिल्कुल बीचों बीच में यानी बिल्कुल आधी दूरी में, ठीक है, उसका आधा जो भाग होता है कर देंगे, वो जो भाग होता है उसको हम लोग एफ से दिखाते हैं, इसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। और इस उत्तल दर्पण में हमें वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को अनंत पर रखना, मतलब बहुत दूर, मतलब कोई दूरी इसका जो है दर्पण से कितना दूर ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इतना मान लीजिए कि वस्तु जो है सो हमारा वस्तु जो है इस दर्पण से वो बहुत दूरी पर है, ठीक है। इसकी हाइट को हम लोग ऊपर वाले भाग को ए मान लेते हैं और इसे पी मान लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई वस्तु से कोई प्रकाश स्रोत इस वस्तु पर पड़ेगा या खुद ये प्रकाश स्रोत हो तो इससे बहुत सारी किरणें गुजरती हैं, तो हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए किन्हीं दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है। इन दो किरणों के माध्यम से ही हम पता कर लेंगे कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा और उसका साइज़ क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग दो किरणों को इस प्रकार से यहाँ से गुजारा जाएगा। ये आप सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ इस भाग में आपको डॉट डॉट से आपको दिखाना पड़ेगा ये जो भाग है, ठीक है, ये भाग, ये देखिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होता है, तो जैसे कि हम आपको बताए थे कि वो ऐप से, ये देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर इसके सर से किरण को गुजार रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी किरणें जाती हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे सिर्फ यहाँ पर एक मुख्य अक्ष के समानांतर किरणों को गुजार देंगे। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो होता है कि ये ऐप से निर्देशित होकर, ऐप से ये कुछ इस प्रकार से निर्देशित होकर ये दर्पण से यानी इस पॉइंट से, ठीक है, यानी कि आपका जो है सो इस पॉइंट से आपका टकरा के वापस जाना है। तो इस पॉइंट में आने के बाद ऐप से ये निर्देशित होकर ये वापस जो है सो इधर को लौट जाएगा, दर्पण से टकराने के बाद ये इस प्रकार से ये वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, ये जो किरण है, ठीक है, ये जो भाग है, ठीक है, ये आपके आने वाली किरण है, ठीक है। तो ये जो किरण है, ठीक है, दर्पण तक आने वाली किरण है और ये दर्पण से टकरा के जाने वाली किरण है, ठीक है। तो एक ही किरण से आप पता नहीं कर सकते कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक किरण और यहाँ से हम लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से बहुत सारी किरणें यहाँ से जाएंगी, लेकिन हमें इतने सारे किरणों की आवश्यकता नहीं प्रतिबिंब का स्थान प्राप्त करने के लिए, हमें सिर्फ दो किरणों की आवश्यकता होती है और वो कुछ इस प्रकार से हम लोग एक किरण को यहाँ से गुजारेंगे, कुछ ऐसे देखेंगे आप। इसे मैं इरेज कर देता हूँ जरा सा, ठीक है। तो एक किरण हम इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से डॉट आउट होकर के एक सीधे चला जाएगा, ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण जो है वो दर्पण से टकराने के बाद इसको लौट के आना है। अब ये किधर को जाएगा, तो ये जो फोकस वाला जो बिंदु है यहाँ से कुछ निर्देशित किरणें आपको दर्पण तक लाना है, और ये जिस तरह से निर्देशित करेगा उसी तरह से उसी तरफ क्या करना है,
जिस तरफ ये किरणें इंगित करेगा उसी तरफ किरणों को हम यहाँ से टकरा के वापस इस प्रकार ले आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है? ठीक है, ये था निर्देशित किरणें, ये इस भाग वाला जो यहाँ पे चला आया, तो क्या दोनों टकरा के आने वाली किरणें कहीं पर टकराएंगे? आपको लगता है कि ये जो परावर्तित किरण है, ये किरण और ये किरण, क्या आपको लगता है कि ये वापस आके कहीं टकराएंगे? नहीं, ये तो फैलता हुआ जा रहा है, अपसारित हो रहा है, ये फैलता हुआ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आपको ये जो किरण है इसी के अपोजिट, जो परावर्तित किरण है इसी के अपोजिट आपको क्या करना है, कुछ किरण को ले जाना है इस प्रकार से, और ये जो परावर्तित किरण है ये किरण इसी के अपोजिट यानी दर्पण के पीछे आपको इस प्रकार से ले जाना है। अब ये जो हम किरणें जो ले आए वापस, ये कहाँ पर टच किया, ये कहाँ पर टच किया, ये काल्पनिक किरण है, एफ पर टच किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब जो होगा इसका कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, बहुत छोटा बिंदु के आकार का। ठीक है, प्रतिबिंब की साइज़ क्या होगा, आकार छोटा होगा, और प्रकृति क्या होगा, सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनते हैं, ठीक है, सदैव सीधा बनते हैं। उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब, चाहे वस्तु को आप अनंत पर रखें या फिर दर्पण के बहुत समीप रखें, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो ये हो गया इसका किरण आरेख। आप ये उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसको आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो हमारा है उत्तल दर्पण का, ये एक किरण आरेख हो गया जिसमें वस्तु को अनंत पर रखा गया है। क्लियर है, प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर होगा प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो F पर है। कहाँ पर है, F पर। ठीक है, यानी कि मुख्य फोकस पर, या फोकस भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि प्रतिबिंब का जो आकार है यानी कि साइज़ वो कैसा है, कितना बड़ा है। तो प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु से तुलना किया जाता है। तो देखिए, प्रतिबिंब का ये हमारा आकार इतना बड़ा है, और इसका आकार अगर यहाँ पे देखें तो एक बिंदु के आकार का है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की साइज़ या आकार भी आप लिख सकते हैं, वो कैसा है, अत्यंत छोटा। ठीक है, क्या है ये, यानी कि बहुत छोटा है, अत्यंत छोटा। ठीक है, यानी कि बिंदु के आकार का आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि बिंदु जैसा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी वो कैसा है, सीधा है, उल्टा है ना, उसके बारे में लिखना, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो है आभासी, यानी कि किरणों के, ठीक है, काल्पनिक कटान से बना है। ठीक है, ये रियल किरण जो टकरा के आई थी उन किरणों से ये नहीं बना, उनके अपोजिट हमको डॉट डॉट करके जाना पड़ा। ठीक है, तब जाके जो डॉट किरणें जहाँ पर टच किया वो एफ पर किया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आभासी, और कैसा बनता है, जैसा कि आपको पता है कि उत्तल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी तथा सीधा। ठीक है, अब एक और पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि वस्तु, ठीक है, दूसरा पॉइंट है वस्तु अनंत तथा एफ, अब करेगा पी के बीच, पी यानी कि ध्रुव के बीच, यानी कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण में। तो ये इस प्रकार से कुछ उत्तल दर्पण को ड्रॉ करेंगे, ये कुछ ऐसे ही दर्पण का चिकना भाग हो गया, और दर्पण के पीछे जो भाग होगा ये कलई किया हुआ भाग होगा। ठीक है, और ये MN आपका द्वारक हो गया, और ये जो है दर्पण का वो मुख्य अक्ष, और इस पॉइंट को हम लोग दिखाते हैं ध्रुव से। ये जो पॉइंट है ये हमारा एफ यानी कि फोकस, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सी यानी कि वक्रता केंद्र। वस्तु को जो हम रखेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस को आप ऐसे दिखा सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखा जाता है, ये देखिए, ये इसके ऊपर वाले भाग को ए और नीचे वाले भाग को हम बी से दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि एक किरण तो आपको मुख्य अक्ष के समांतर गुजार ही देना है। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारी किरणें जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है,
किसी एक किरण को लेना है। तो एक किरण जो ये इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, वो फिर क्या होगा, नियम बताया गया था कि वो एफ से इंगित होकर, निर्देशित होकर किरण यहाँ से टकरा के फिर वापस चली जाएगी इस प्रकार से। मतलब इसे निर्देशित कौन करता है, एफ करता है। कौन करता है, एफ करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका एक किरण, अब एक किरण को और यहाँ से गुजारना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आप इसको एक किरण को हम सी से ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं, सी से ले लेते हैं। तो देखिए सी से जो जाने वाली किरण है तो कुछ प्रकार से सी से निर्देशित किरणें वापस क्या होंगी, यानी कि ये ऐसा लगेगा कि ये सी तक जाएगा, लेकिन सी तक तो आर पार होगा नहीं क्योंकि इसको दर्पण से फिर लौटना है। तो सी पर जाने वाली किरण, सी पर जो निर्देशित किरण होती है, वो किरण वापस जो उसी से निर्देशित होकर उसी पथ पर वो लौट जाता है। मतलब ये किरण यहाँ तक गया और दर्पण से टकरा के यहीं से इसको लौट के, यानी इस पॉइंट से, क्योंकि चिकना भाग यहाँ लौटना है, ठीक है, यहीं से वो लौट करके वापस चला जाता है। ये किरण जाने वाली किरण है और ये जो किरण है वो आपकी आने वाली किरण है। यहीं पर होगा ये जाने वाली किरण और ये आने वाली किरण, और ये जाने वाली किरण और ये दर्पण से टकरा के आने वाली किरण। आपको क्या लगता है लौट के आने वाली किरण यहाँ पर कौन सी है, एक ये किरण है और एक ये है। तो क्या लगता है कि अगर मैं इसको वापस और लेते आऊँ तो इस प्रकार से क्या कहीं लगता है कि आपको ये टकराएगा, तो फैलता हुआ जा रहा है, क्योंकि उत्तल दर्पण में किरणें जो टकरा के आने के बाद अपसारित होती है, मतलब फैल जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, जो हमारी किरणें थी लौट के आने वाली, उसी के अपोजिट आपको किरणों को इस प्रकार से डॉट डॉट आपको ले जाना होगा। और फिर ये जो किरण है, ठीक है, ये जो किरण है इसी के अपोजिट जो है सो जाना है, और यहाँ से फिर आपको, क्योंकि दर्पण के आर पार हो नहीं सकता, तो डॉट डॉट इस तरह से आपको गुजार देना है। तो जहाँ पे ये काल्पनिक किरण है जिसको हम डॉट डॉट से गुजारे हैं, जहाँ पर टच करेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि इधर जो है चांसेस नहीं है, क्योंकि ये फैलता हुआ जा रहा है। तो जहाँ पर यह टच करेगा वही हमारा प्रतिबिंब का स्थिति होगा, और इस भाग को हम लोग ए डैश और इसको हम बी डैश से दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, पी और एफ के बीच बनता है। ये देखिए प्रतिबिंब का साइज यानी ए डैश और बी डैश से है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, P तथा F के बीच, P यानी कि ध्रुव और F यानी कि फोकस, P तथा F के बीच आपको जगह बना के लिखना है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति मतलब स्थान, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, यानी प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की साइज। अब साइज को हमको किससे तुलना करना है, उसके वस्तु से। ये देखिए प्रतिबिंब के साइज कुछ इतना बड़ा है, उससे छोटा है, तो वस्तु से क्या है, प्रतिबिंब का साइज छोटा है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं, सॉरी वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक किरणों से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आभासी तथा सीधा, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा आभासी तथा सीधा, क्लियर है। ये हो गया प्रतिबिंब यानी उत्तल दर्पण में किस प्रकार से बनता है। तो आइए अब जानते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका पहला उपयोग है ना, कि वाहनों में पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ियों में जो होता है, ठीक है, पार्श्व यानी कि उसके किनारे, ठीक है, ड्राइविंग सीट में या फिर को ड्राइवर सीट के बगल में, ये पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दर्पण का, जिसको हम लोग बैक मिरर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या लुकिंग ग्लास बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बैक मिरर भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका बाइक हो या फिर आपकी बड़ी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, तो उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए यहाँ वहाँ पर उत्तल दर्पण को लगाया जाता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए कि ये बाइक है, बाइक का यह स्टेयरिंग है, तो आपको यहाँ पर आपको इस प्रकार से दर्पण इस प्रकार से लगे होते हैं, ठीक है ना। ये गाड़ी का मान लीजिए मीटर है आपका, ठीक है,
तो ये इस दर्पण में लगाया जाता है क्या, उत्तल को, किस इसमें क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण को लगाया जाता है, ठीक है, ताकि पीछे का जो है रोड का अधिक हिस्सा, अधिक भाग दिखाई पड़े, ठीक है, इससे चालक को क्या है कि गाड़ी चलाने में ज़्यादा आसानी मिलता है, मदद मिलता है, ठीक है। तो वह पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी कि पश्च मतलब पीछे, दृश्य मतलब सीन, पीछे का दृश्य देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग में क्या लिखेंगे कि वाहनों में पार्श्व पश्च दृश्य मतलब पीछे का सीन देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो उपयोग है इसका वो है गलियों बाजारों में लगे लैंपों के रूप में, ठीक है, यानी कि गलियों बाजारों में, ठीक है, या चौराहों में क्या है कि जो लाइट होता है, ठीक है, वो लाइट को इस प्रकार, लाइट के अगल बगल इस प्रकार से लगाया जाता है ताकि, जैसे कि आपको पता है कि उत्तल दर्पण में अगर लाइट, अगर कोई प्रकाश किरण अगर पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो फैल जाता है, वो क्या होता है, वो फैल जाता है, अपसारित किरणें होती है ना इसमें, तो उससे क्या होता है कि अगर यह लाइट सोर्स है इसके बगल में हमने लगा दिया क्या उत्तल दर्पण को, ये यहाँ पर लाइट पड़ेगा तो क्या फैल जाएगा, इधर भी पड़ेगा तो लाइट क्या होगा, फैल जाएगा। इससे क्या होगा कि चौराहों में या गलियों बाजारों में है ना जो लाइट के वजह से आपको ज़्यादा भाग, आपको ज़्यादा हिस्सा दिखाई पड़ता है, तो गलियों बाजारों में भी क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण को यूज़ किया जाता है, वहाँ लैंपों के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लाइट्स के बगल में या लाइट्स के साथ उसको लगाया जाता है।